एवरीवन स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम लोग कर रहे हैं और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.5 हम देखेंगे कि इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इफ अ राइट साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सम ई रेस टू पार ए एक्स इंटू वी टाइप से, ठीक है, वेयर वी इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एनी अदर फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे अगर हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें किस तरह से इवेल्युएट करना होगा वो आज हम सीखेंगे। सो देखिए, ये प्रूव करना है वन पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd e रेस्ट पर ए एक्स इंटू वी टाइप से अगर है तो वो हमारे पास हो जाएगा, ओके ई रेस्ट पर ए एक्स आएगा यहाँ पे, ई रेस्ट पर ए एक्स ऑपरेट होके, ठीक है, जो ये ऑपरेटर है डी की फॉर्म में जैसे है उसे मैं बोल रही हूँ ऑपरेटर, उस फंक्शन पे ऑपरेट होके ई रेस्ट पर ए एक्स हमने ले लिया है यहाँ पे लेफ्ट साइड में और अभी ये वी फंक्शन ऑपरेट होना बाकी है। दिस वी फंक्शन कैन बी लाइक साइन ए एक्स, कोस ए एक्स या ई रेस्ट पर सम बी एक्स, ठीक है, या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस टाइप से कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसे अभी आपने ऑपरेट करना बाकी है। तो ये हमने प्रूव करना है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्रूव दैट दिस थिंग हैपेंस। ओके, नाउ देखिए, एफ डी वाई इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पर एक्स इंटू वी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर ई एफ डी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल टर्म्स यहाँ पे क्योंकि मान लीजिए ए एन डी एन, ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू डी एन माइनस टू, ठीक है, ए टू डी स्क्वायर ए वन डी प्लस ए नॉट टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पर ए एक्स इंटू वी, इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, उसके सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को कलेक्टिवली एफ डी ऑफ वाई हम बोल रहे हैं। सो अब यहाँ पे देखिए, जब फर्स्ट डेरिवेटिव आप यहाँ पे करेंगे किसका, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं उस टाइम पे डी ऑफ e रेस टू पार ए एक्स इंटू वी कितना आएगा, डेरिवेटिव करना है e रेस टू पार ए एक्स और v का, तो सबसे पहले e रेस टू पार ए एक्स एज इट इज किसका डेरिवेटिव, जो ये फंक्शन ऑफ x है, प्लस e रेस टू पार ए एक्स का a e रेस टू पार ए एक्स प्लस सॉरी इंटू v एज इट इज। तो ये कैसे हुआ, e रेस टू पार ए एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो ये बचेगा d प्लस ए और v भी हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। इसी तरह से डी स्क्वायर ई रेस टू पार ए एक्स इंटू वी इज अगेन डिफरेंशिएशन करना है इसका हमें, ई रेस टू पार ए एक्स डी स्क्वायर वी प्लस ए ई रेस टू पार ए एक्स डी वी प्लस ए स्क्वायर ई रेस टू पार ए एक्स वी प्लस ए ई रेस्ट पर ए एक्स डी, ठीक है, इसे कनेक्ट करके जब हम लिखेंगे तो ये आएगा ई रेस्ट पर ए एक्स कॉमन डी स्क्वायर प्लस टू ए डी प्लस ए स्क्वायर और बी हमारे पास कॉमन, तो ये बन गया ई रेस्ट पर ए एक्स डी प्लस ए होल स्क्वायर टू बी। लाइकवाइज जब थर्ड डिग्री डिफरेंशियल करना हो, डिफरेंशिएट करना होगा थर्ड टाइम, तो ये होगा ई रेस्ट पर ए एक्स डी प्लस ए होल क्यूब इंटू वी। ओके, सो इस तरह से एन एथ डेरिवेटिव ई रेस्ट पर ए एक्स इंटू वी का एन एथ डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा ई रेस्ट पर ए एक्स डी प्लस ए पावर एन इंटू वी। ओके, इन सभी टर्म्स को अब हम अगर ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वालिटीज का ऐड कर दें, तो ये हमारे पास बनेगा एफ डी, कॉमन क्या है ई रेस्ट पर ए एक्स अपॉन बी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास मिल जाएगी ई रेस्ट पर ए एक्स, ये भी सब फंक्शन जहां जहां डी था वहां डी प्लस ए की फॉर्म मिल गई है, राइट, जैसे एन एथ डेरिवेटिव यहाँ पे कर रहे थे, एन एथ डेरिवेटिव ही डी प्लस ए कहा गया है हर टर्म के अंदर। ओके, सो ये हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ओके सॉरी अबाउट दैट, इसका मतलब हो गया। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको, सम पुट एफ ओ डी प्लस ए
into v say is equals to x. So v is 1 over f of d plus a operated on x. यहाँ पे v की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे f d e raised to power ax into 1 over f d plus a to x is equals to e raised to power ax, इसे हमने पुट कर दिया कैपिटल x. ठीक है, यहाँ पे 1 over f d जो कि इसका इनवर्स है वो ऑपरेटर हम दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं, तो ये बनेगा e raised to power ax f of d plus a into x. ये जो साइड है इसको मैं यहाँ लेफ्ट में लिख रही हूँ बिकॉज ये हमें प्रूव करना है e raised to power ax into v. क्लियर, ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे. तो अब कुछ प्रॉब्लम्स से हम देखते हैं कि ये किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे. और देखिए केस ऑफ फेल्योर अगर बनता है कहीं पे तो जैसे हमने पहले सीखा है बिल्कुल उसी तरह से x से आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर वाले टर्म का पी आई के अंदर. तो ये अभी हमने रूल देखा पी आई के लिए. अब कोई प्रॉब्लम देखते हैं हम से फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट. सो एक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. सो डी की डी माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू वन एंड वन. सो सी एफ इज सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू पार एक्स. ओके, नाउ पी आई वन ओवर डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन x square e raised to power 3x. तो अभी हमने क्या सीखा है, सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई और फंक्शन अगर x का यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से रहेगा. एक्सपोनेंशियल टर्म हम आगे ले आते हैं. ओके, इसे हम सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं d माइनस वन होल स्क्वायर e raised to power 3x और ये x square. तो e raised to power 3x को ऑपरेट करके हमने लेफ्ट साइड में यहाँ पे निकाल दिया है, तो ये बनेगा d को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें d प्लस 3 से माइनस 1 एज इट इज होल स्क्वायर x स्क्वायर. तो ये आया e रेज टू पावर 3x d प्लस 2 होल स्क्वायर x स्क्वायर. देखिए ये फंक्शन को लेफ्ट साइड में ये जो ऑपरेटर है अभी जिसे ऑपरेट करना बाकी है जिसमें अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं d की वजह से मैं बोल रही हूँ ऐसा. ये लेफ्ट साइड में लिखने का और इस ऑपरेटर पे अभी जो ऑपरेट होना बाकी है वो फंक्शन, तो ऐसा नहीं है ई रेस्ट पर थ्री एक्स आपने इधर ही लिख के छोड़ दिया या कहीं पे भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. लेफ्ट साइड का मतलब है कि ऑपरेट हो चुका है, इसे वापस ऑपरेट नहीं करना है. जो ऑपरेट होना बाकी है दैट इज स्क्वायर. क्लियर, नाउ अगर राइट साइड में स्क्वायर है तो इस तरह के पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से सिंप्लीफाई होता है. e raised to power 3x, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो 1 by 4 बाहर आएगा, 1 over 1 plus d by 2 whole square x square. Okay, so e raised to power 3x by 4, 1 plus d by 2 raised to power minus 1 x square. e raised to power 3x by 4, 1 minus d by 2 plus d square by 4 minus d cube by 8 x square. So, x square को सॉरी ऑपरेट करवाएंगे माइनस 1 by 2 x square का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, 1 by 4 ये होगा आपका 2, बाकी के रिमेनिंग टर्म सब जीरो हो गए. ओके, तो ये आया है e रेज टू पावर 3x by 4 x square minus x plus 1 by 2. This is our PI. So y is equals to cf, that is c1 plus c2x e रेज टू पावर x, c1 plus c2x e रेज टू पावर x plus e रेज टू पावर 3x by 4. ये 2 अगर यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये बनेगा 2x square minus 2x plus 1.
आई डिड अ मिस्टेक हेयर, यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से पावर माइनस वन नहीं होगी, पावर आएगी माइनस टू, ओके। इसी वजह से तो हमें आंसर में प्रॉब्लम आ रही है, माइनस टू। सो एक्सपेंशन हमारा होगा वन माइनस टू ट्वाइस ऑफ डी बाई टू प्लस थ्राइस ऑफ डी स्क्वायर बाई फोर माइनस फोर टाइम्स ऑफ डी क्यूब बाई एट इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई होगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री बाई टू। एलसीएम लेने पे ई रेस टू पावर थ्री एक्स बाई एट, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए। सो दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेकेंड पार्ट, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दिस इज डी प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, सो डी की वैल्यू माइनस वन एंड माइनस वन। सी एफ इज सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ओके। नाउ पी आई वन ओवर डी प्लस वन होल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स साइन टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं यहीं पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके से सेपरेट करके मैंने लिख दिया पी आई को, ठीक है। नाउ ई रेज टू पावर एक्स एक्स के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, सो ई रेज टू पावर एक्स हम आगे लेके आएंगे और डी को डी प्लस वन से रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी प्लस टू होल स्क्वायर साइन टू एक्स प्लस वन ओवर डी प्लस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास हो गया ई एक्स, क्योंकि साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन जब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल में तो हमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस डी स्क्वायर बाई माइनस साइन के अंदर जो एक्स के साथ जो कोफिशियंट है एंगल में, तो माइनस फोर से। सो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख लेती हूँ यहाँ पे डी स्क्वायर, ओके, डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर साइन टू एक्स प्लस यहाँ पे ये लिखा जाएगा वन प्लस डी रेज टू पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ओके। डी स्क्वायर को माइनस फोर से रिप्लेस करेंगे तो ये फोर और डी स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद वन बाई फोर डी साइन टू एक्स, और ये हमारे पास आएगा वन माइनस टू डी प्लस थ्री डी स्क्वायर माइनस फोर डी क्यूब ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर। e रेज टू पावर एक्स और फोर, वन बाई डी मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू, टू एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स थ्री, और रिमेनिंग फॉर्म को भी हमारे पास जीरो। e रेज टू पावर एक्स बाई फोर साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस टू एक्स बाई टू प्लस स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया माइनस ई रेज टू पावर एक्स बाई एट कोस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, सो आवर कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई एट ई रेज टू पावर एक्स कोस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन विद टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से ये ऐसी प्रॉब्लम्स हमें हैंडल करनी है। एक हिंट मैं देना चाहूंगी यहाँ पे एक प्रॉब्लम के लिए, हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर फोर एंड सेकेंड पार्ट, प्रॉब्लम इज डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टू एक्स कोस स्क्वायर एक्स।
अब ये कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना कि कोस एक्स। सो हमने यहाँ पे इसमें कोस टू एक्स की हेल्प ले लेनी है। कोस टू एक्स इज कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स इज कोस 2x+1/2। ये यूज कर देना है आपने यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 1/2 आप कॉमन रख सकते हैं। तो हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड बनेगी 1/2 e^2x cos 2x + 1/2 e^2x, ठीक है। अब इसको हमने यूज करके पी आई निकालना है, ये हिंट है, आप कर पाओगे। क्लियर, थैंक यू।